हेलो दोस्तों, मैं ललिता। सुबह सुबह सूर्य दर्शन के साथ आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग भी सुबह सुबह सूर्य दर्शन कर लीजिए। अभी हमारे वहाँ 6 बजे धूप निकली है और आज मौसम बहुत साफ हो रखा है। और ये मेरा गांव है, यह आम का पेड़ है। आज मेरे दीदी भिडोले दिन जा रही है, बहुत सामान लेके जा रही है अपनी बहन से। अच्छा सूर्य बड़ा अच्छा पहन रहा है, सूट पहन रहा है। घी दूध चलते हैं अब। आप हो मिलू अरे पैदल जाएगी अब ऊपर रोड तक, ऊपर को सीधे चढ़ाई वाला रास्ता पड़ेगा, फिर उसके बाद रोड आएगा। बहुत भारी हो गया उसका सामान, आए बोल देता। शाम को घर आ जाएगी, यहाँ 1 महीने बाद वापस लौटेगी। ऊपर को जाने हैं फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगी रोड। यहाँ से गाड़ी भी सुबह जाती है, बाद में नहीं मिलती हमको गाड़ी। यहाँ क्या वो लग है ना पूछ कर है ये लगे जो लगे जो कौन सी मिगे टाइम है ने और तुम लगे है ना यो और अब मैं घर जानी है। अब मैं रोड पर कुछ को दू काम भिड़ो ले जाने जा रहे हैं खेत, और इसका यह काम हो रहा है खेत में है। इसमें अदरक लगाना है, अदरक लगाना अभी खोद रही हूँ। ये जाना है घास को, ये बुआ जी का कुछ काम नहीं है तो ऊपर आके देखो के लोगों छिन आज। अच्छा आज लोग पहले बाल भाई मोह की तो काम लग जाए फिर बाद में। सुबह से काम मिल लगी है खेत में, सब करें चाहे। तो चलते हैं बाजार में। आजकल बात तो नहीं है, बहू बोलते हैं उसको, पैरों में दर्द हो रहा है, चल भी नहीं पा रही है बिल्कुल भी, बुढ़ापा आ गया है। उसे बुढ़ापे में काम करना बड़ी मुश्किल होता है ना, कमर में दर्द थे उसके पहले से, और पैरों में भी दर्द होने लगे है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द होते है मम्मी को। रास्ता भी बहुत ख़राब होता है हमारे वहाँ, ऊपर वाले चढ़ाई वाला रास्ता है ना, तो सीमेंट का रास्ता, कहीं पर सीमेंट का रास्ता होता है तो कहीं ऐसे रास्ते पड़े रहते हैं। ये बाज के पेड़ हैं, वो काटना होता है आजकल बहुत सारे, बहुत दूर जाने हैं भी। चलते चलते मम्मी का साथ देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। मम्मी को थकान लगी है, चलने में बैठ गई हैं बैठे। अरे नहर पड़ा है खाइए बेकार खाइए, पानी है तो कुछ आते नहीं है। पहाड़ में ऊपर जंगल में हमारे गांव ने तो पानी की बहुत कमी रहती है यहाँ। रोपाई भी हम जब बारिश आएगी तो तभी करेंगे, वो ना रोपाई भी नहीं होती है, ऐसे धान सूख जाएंगे हमारे वहाँ। बहुत सारे पेड़ ही पेड़ यहाँ पर रहे हैं, अभी हम रास्ते में पहुँचे हैं और मम्मी वहाँ बैठ गई आ गई है। थोड़ा थोड़ा घास हो गया और थोड़ा ये बाँस काटने पड़ेंगे। ओ बोलते हैं आजकल इसको। और ये जो है हमारे पूरे गाँव वालों का मंदिर है, हमारे घर के बगल में है मंदिर, इष्ट देव जी का मंदिर पूरे गाँव वालों का है। ये यहाँ पर ये गेट बना है, ये अंदर बात में जाऊँगी मैं। कितना सारा काम हो जाता है ना गाँव में, ऐसे घर से लेके खेते तक सब काम करना पड़ता है हम लोगों को। ये बहुत ऐसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है हम लोग का। ये अभी कपड़े धोने हो रहे बहुत ज़्यादा है, उसके बाद और भी काम करना है बहुत सारे, बहुत काम होता है हम लोगों का। तो अभी हम कपड़े धो रहे हैं इसलिए वॉशिंग मशीन में। आज बहुत दिन बाद लाइट आ रही है यहाँ, खराब हो गया था ऊपर वाले मकान से, तो यहाँ बंद थे, 4-5 दिन बाद आ रही है लाइट। आए बहुत
काम हो जाता है ना लाइट में तो मुश्किल हो जाता है लाइट के बिना काम करना। अभी आई है कल ठीक है इसको ठीक हो गया है। कितना सारा काम हो जाता है हमारे अभी भूख लग रही है इसको नहलाने है या उसके बाद अंदर बाद में गए इसको आप मौसम भी साफ हुए हैं तो तुम भी अच्छे आए हैं आज ये ऐसे काम होते हैं हमारे गांव में यहाँ खेती से लेके घर तक सब काम करना पड़ता है हम लोगों के है तो अभी मैं भैंस को नहला रही हूँ यहाँ बड़ी बहुत सारा लगा रहा है इसमें तीन है एक है एक है यह हमारे भैंस है और इन्हें भैंस है बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े सींग पाल रखे ना इसने अभी नहीं लगन दी थी मेरे को मारने के लिए अभी मैं नहला रहा है इसको अभी मार दी मेरे को फिर मेरे डॉक्टर जाऊंगे ना बहुत ज्यादा एक मारने ले ले बड़ा कभी नून तो कहा बहुत ही मन लगा खुजल लगा भाई खुजल लगा में भाई तो अपन नून दिले नहीं तो नून दिला लगा दिल बिल्कुल यार सिमर हमारी बार बन गया तो ले यार